मैंने अपने बचपन में इतना प्रदूषण नहीं देखा था या इतना यंत्र नहीं देखा था, और अभी के बच्चे यंत्र के साथ ही बड़े हो रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का 70-80 साल देखा है और एक ऐसे जगह पे हैं, शायद आप भविष्य को भी देख रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं आज से 50 साल बाद भारत कैसा होगा? सशक्त देश होगा, प्रदूषण से टूटा हुआ होगा, कैसा? भारत हो या कोई अन्य देश, अब उसकी लाचारी है कि वो आध्यात्मिक मनुष्यों से संपर्क साधकर जो गिने चुने महानुभाव वैदिक वाङ्मय के विशेषज्ञ हैं, आध्यात्मिक मनीषी हैं, उनसे संपर्क साध के विकास को परिभाषित करें और क्रियान्वित करें। नहीं तो विकास के नाम पर ही विनाश, संपन्नता के नाम पर ही दरिद्रता का तांडव नृत्य होगा। जिसको व्यक्ति देख रहे हैं विकास, उनको यह नहीं समझ में आता कि वेदादि शास्त्रों के अनुसार विकास का सचमुच में स्वरूप क्या है। हमको गुरुओं की कृपा से, ग्रंथ और गोविंद की कृपा से वेदादि शास्त्रों का अधिगम है, तो हम देख पाते हैं कि विकास के नाम पर विनाश की ओर द्रुत गति से जीवन पहुंच रहा है। इसलिए अगर इसी गति से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की विधा चलती रहे तो विश्व का विनाश ही हमको दिखाई पड़ता है। अंत में भारत को जागने की आवश्यकता है। पहली बात है कि प्रकृति स्वयं कुपित होकर महायंत्रों के युग को विफल कर दे, या मनुष्य विवेक का परिचय देकर स्वयं इसको संयत रखे। दो में से एक को ही स्वीकार करना पड़ेगा। या तो मनुष्य अगर चेतना नहीं है तो प्रकृति वो क्षमता है, क्योंकि भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है, प्रकृति के परिकर का नाम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश है। ये स्वयं ही अपने में स्वस्थ क्रांति को जन्म देने में समर्थ है। उदाहरण के लिए गंगा को लेकर जब शासन तंत्र जागरूक नहीं हुआ तो जो कुछ हुआ था उत्तराखंड में आपको मालूम है, मंदाकिनी ने अपना मार्ग निकाल लिया, अब क्या प्रलय का स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। इससे सिद्ध हो गया ना कि अगर हम ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ऊर्जा के स्रोत अपनी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तांडव नृत्य भी कर देते हैं, भूकंप आदि के रूप में, बात्या आंधी के रूप में, सुनामी लहर के रूप में। इस दृष्टि से तो यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को विवेक का परिचय दे करके दाल में नमक के समान यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान आप यंत्र में करिए या अपने जीवन में प्रज्ञा शक्ति को, प्राण शक्ति को उत्पन्न करके स्वस्थ जीवन की संरचना कीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी जो गेंदे आदि के पौध होते हैं, आम के पौध होते हैं, आपने देखा होगा पुष्प फल से लगे ही लगाए जाते हैं, तो कितना फल दे पाते हैं, कितना पुष्प दे पाते हैं, उनकी आयु कितनी हो पाती है। और पहले आम का पौध लगाइए तो 12 साल में जा करके फूल देता था, फल देता था, लेकिन 100-100 वर्ष उसकी आयु भी होती थी। 100 वर्षों में कितनी छाया देता था, कितना फल देता था। अच्छा, जो फूल होते थे वो भी कितने बड़े होकर फूल देने लगते थे। धान को देखिए, धान के पौध 6-6 फीट ऊँचे होते थे, उसमें बालियाँ खूब लगती थी, अन्न खूब लगते थे। तो आज विकास के नाम पर एक और हम देख रहे हैं ना कि जीवनी शक्ति, वनस्पतियों की जीवनी शक्ति, पेड़ पौधों की जीवनी शक्ति, क्योंकि जो जितना जल्दी फल देगा उतना जल्दी ही विलुप्त होगा। क्या जो जितना जल्दी फल देगा उतना जल्दी ही विलुप्त होगा? तो पेड़ पौधों की नए ढंग से जो विकास की चर्चा चल रही है उससे पेड़ पौधों की आयु और उनकी उपयोगिता तो कम हो रही है। सीधे तत्काल उपयोगिता हो, गीता में कहा गया कि एक वह सुख है जो तत्काल सुख दे, कालांतर में सुख का परिणाम दुख हो जाए। पहले अमृतोपम, बाद में विष, जैसे खुजली, खुजली तत्काल तो बढ़िया लगे, बाद में रुला दे। लेकिन व्यायाम करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य संयम का पालन करते हैं, आरंभ में कष्ट होता और अंत में सुख मिलता है। तो तात्कालिकी उपयोगिता जो है महायंत्रों की देन है, और तात्कालिकी उपयोगिता के चपेट में आकर के व्यक्ति लाभ तो कम प्राप्त कर पाता, हानि की पराकाष्ठा हो जाती है। इसलिए भारत को भी
अगर ये भारत का शासन तंत्र अपनी चेतना शक्ति के बल पर सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता की पीड़कर्ता को नहीं छोड़ता तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम लोग केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है, जो हमारे हृदय में भाव है उसको व्यावहारिक धरातल पर शासन तंत्र का रूप देना भी हम लोग जानते हैं। तब हम राज्य तो नहीं करेंगे, लेकिन राज्य हमारे हाथ में होगा ताकि वेद सम्मत विज्ञान के अनुसार भारत को विकसित किया जा सके, इसके अस्तित्व राजस्व की रक्षा की जा सके और पूरा विश्व भी लाभान्वित हो। हमको अंदर की बातें मालूम है। अभी पाश्चात्य जगत अपने स्वार्थ के लिए तो महायंत्र इत्यादि का वो बेच रहा है और जिस राष्ट्र को नहीं जानते हैं वो खरीदते भी हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय मनुष्यों ने जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तो अधिक दिनों तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हमारा देश भी समृद्ध नहीं रहेगा। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, पृथ्वी ऊपर ऊंचाई तक चिड़िया पक्षी ऊपर ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन जब से थकान का अनुभव होता है, भूख प्यास का अनुभव होता है, तब पृथ्वी पर आने के लिए विवश है। इसी प्रकार से विकास के जो मापदंड हैं, मूल स्रोत लक्ष्य मानव जीवन की सृष्टि रचना के प्रयोजन का विज्ञान प्राप्त करके विकास के मार्ग को परिभाषित करना चाहिए।